लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऊंची आवाज इंडिया। नाज़रीन ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम हलके सरोगना नगर की जानिब से। बेंगलोर सेंट्रल के सिलसिले में जिस तरह की आज तब्दीली देखी जा रही है, लोग वॉलंटरी तौर पर जिस तरह मंसूर अली खान को जिताने पर मजिद है और बिलखसूस कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार की तायद में एक लॉबी चल रही है देखा जा सकता है। बेंगलोर सेंट्रल के नुमाइंदे हमारे सामने गुजर रहे हैं, जिस तरह की तायद खुलकर सामने आ रही है, लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, वॉलंटरी तौर पर खुलकर तायद में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारी अक्सरियत के साथ इस मरतबा कांग्रेस उम्मीदवार की जीत यकीनी है। सिचुएशन कांग्रेस पर्वाद नम से मंसूर अली खान बहुमत पब्लिक को कोऑपरेशन नो पब्लिक सहाय ಆಗುತ್ತರ ಇದೆ ಮತದಾರರ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಮತದಾರರ ಬೆಂಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸಮೇತ ಮನೆ ಮನೆ ತಲುಪಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ क्योंकि सरोगना नगर के कई इश्यूज हैं जिसकी वजह से यहाँ कहीं ना कहीं मंसूर अली खान से मुतालिक गलत फहमियाँ थी, आज क्या लग रहा है? देखिए आज सवेरे से सरोगना नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड शो हो रहा है। मैं समझता हूँ लोगों का एक समंदर सा सवेरे से अब तक भी तकरीबन एक किलोमीटर से ज्यादा की लाइन लगी हुई है, लोग जमा हुए हैं। सरोगना नगर एक ऐसा असेंबली हलका है बैंगलोर सेंट्रल में, सबसे ज्यादा लीड जो है बैंगलोर सेंट्रल में मंसूर अली खान को सरोगना नगर से मिलेगी। और केजे जाट साहब
जब से यहाँ के एमएलए हुए हैं, मैं समझता हूँ खास तौर वो जो बेंगलुरु डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, यहाँ के तमाम बुनियादी मसाइल को उन्होंने हल किया है। कोई ऐसा मेजर इशू यहाँ पे नहीं है। हमारे लिए जो है हालात बहुत साजगार है। मंसूर अली खान इस वक्त बेंगलोर सेंट्रल से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। एक्चुअली जो माहौल दिख रहा है माशाल्लाह से पूरे जगह बहुत एंथुजियन उत्साह है, और जो हमारे जो पांच गारंटीज हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के, वो जो ज़मीनी तौर पे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बाहर आके कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा माहौल है। और अब एक कोशिश है कि जो हमारा मिडिल क्लास है उन्हें भी और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा वोट मिलें, क्योंकि आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी कभी भी गरीबों और लोगों के साथ रहने वाली पार्टी है, और इस वक्त जो मुल्क की हालात है कांग्रेस पार्टी को जीतना बहुत ज़रूरी है इस बार। सो ग्राउंड लेवल पे तो आज आप लोगों ने ही माहौल देखा है सर्वज्ञ नगर में। सो आप अंदाजा, क्योंकि मैं परसों शिवाजी नगर गया था, फिर दूसरे हलके में भी गया था, सो चामराजपेट में भी वही एंथुसियाज्म है। बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, कई वादे किए हैं, और ये नारा भी लगा रही है कि इस बार 400 पार। देखिए मैं तो मैनिफेस्टो नहीं देखा, बट 400 पार बोलते हैं, बट वैसा हवा नहीं है बीजेपी की जो, मगर हम वो लाइट नहीं ले सकते क्योंकि हमारा मकसद है बीजेपी को हराने का। सो इसीलिए हमारी पोलिंग बहुत ही मैक्सिमम पोलिंग, मुझे पूछे तो 100% होनी तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी 75-80% तो मिनिमम होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, कुछ ऐसे इलाके हैं बेंगलोर सेंट्रल में, क्योंकि जो महादेवपुरा और सी वी रामन नगर एरिया है वहाँ से भी हमें वोट आना है। सो फाइनली हमारा मकसद है बीजेपी को हराने का। सरोजना नगर में जो की रोल अदा करता है सरोजना नगर इलाका, तो आज सुबह में थे आपके साथ और उनके पर्सन भी है राणा साहब, अभी तक कैसे एक ताकत यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि क्रिश्चियंस वोट यहाँ पर ज़्यादा हैं, मुसलमान वोट ज़्यादा हैं, कैसे यूनिटी का एक के जे जज साहब कांग्रेस के सीनियर मोस्ट और सबसे सेक्युलर और सबसे दिग्गज नेता हैं, और राणा जज साहब भी वही, और ये दो मिलके जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाले हैं और लोगों का विश्वास और भरोसे के साथ गए, मुझे तो यकीन है सर्वज्ञ नगर सबसे आगे होगा ये लड़ाई में। چونکہ آپ کانگریس کے اس حلقے کے لیے آبزرور کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، مختلف مسائل بھی ہیں حلقے کے، کیا فیڈ بیک ہے خان صاحب اس مرتبے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے سے اونچی آواز کے چینل کے ذریعے پورے کرناٹک کے الیکشن کے بارے میں اپیل دے چکا ہوں میں، ہمارے خاص کر ہماری جاٹ صاحب کی کانسٹیچوئنسی سرجہ نگر میں جو ہے جاٹ صاحب اور رانا صاحب جو ہیں
बेहतरीन अंदाज से रिजल्ट भी देंगे आपको ये बार में, और उन बाकायदा ब्लॉक प्रेसिडेंट, वॉल प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट को सब आकर राणा साहब की भी तायीद हो चुकी है कि कैसा काम करना है और नौजवानों को कैसा लेके इलेक्शन करना है बोल कर रहे हैं। और उन बाकायदा बोले ही मंसूर अली खान साहब को भी, हमारे तरफ से बेफिक्र रहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग अच्छे से अच्छी जो MLA इलेक्शन की जो ये थी पोलिंग उससे ज़्यादा इंशाल्लाह पोलिंग देंगे बोल के बोले हैं। और वो हिसाब से आगा तबका जो है जज्बाती तबका है नौजवानों का, मेरे ख्याल से ये मिसाल रहेगा बिल्डिंग सेंट्रल में सरोजा नगर जो है के वोटर्स और आके नौजवानों के जो काम का तरीका है। 26 अप्रैल को आपको जुम्मा की नमाज के पहले पहले आपको रिजल्ट आने लगेगा, और क्योंकि पोलिंग का एक ही तय कर चुके हैं कि जुमेरात के दिन से है नौजवान और आपको पूरा काम करेंगे, जो जो वोटर्स से वगैरह को जो निकालना है वोट डलाने का मुहिम जो चल रही है एरे के अंदर में, तो बाकायदा भरपूर आके सरोजा नगर जो 23 वार्ड जो है ओवार से और HBR कमन अली जान जान से आकर नौजवानों को अपील की जा रही है कि वो सब लोग काम कर रहे हैं। और खुद आकर BJP के जो कार्यकर्ता थे वो भी आकर नौजवानों की जो टीम थी वो भी सिर पर हो चुकी है, और आप आम आदमी पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के तहत में काम कर रहे हैं, और हर संगठन है जो ही खान साहब बताया जा रहा है कि 15 साल का MP PC मोहन एक मरतबे भी हल्के का उन्होंने दौरा नहीं किया, मुख्तलिफ मसाइल हैं, और चूंकि 15 साल से एक मरतबे भी दौरा नहीं होने के बावजूद भी तकरीबन अब तक उनकी 3 मरतबे जीत हो चुकी है, तो इस मरतबे हालात पलटेंगे ऐसा कैसे उम्मीद रख रहे हैं आप? नफीस इब्राहिम साहब, आप भी आके ये हरके से ही बिलोंग करते हैं, आप भी यही हरके में रहते हैं, आपको भी ये सवाल मैं पूछूं या मुझे आप पूछेंगे, तो हम लोग आके सोशल एक्टिविस्ट करने की वजह से खिदमत खल करते हुए सियासती तजुर्बे रखते हुए भी हम लोग को भी आज तक भी PC मोहन नहीं मिला है 15 साल से, तो आम आदमी का आवाज कहाँ से सुनेगा? नहीं, इस मरतबे कैसे उम्मीद लगा रहे हैं कि हालात पलटेंगे? हालात आके पूरे हिंदुस्तान के पलटना है वही उम्मीद रख के बैठे हम लोग, और वो उम्मीद से ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी नहीं कभी नहीं महंगाई जो आकर रहे आप लोग सब जानते हैं महंगाई कहाँ से कहाँ तक पहुंची है, आने वाले दिनों में जो है बाकायदा आकर आप मुझे 2000 रुपये डालेंगे तो उसे भी गूगल टैक्स देना पड़ेगा, वो नौबत लगा रहे हैं लोग, और मुझे यकीन है कि इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस पार्टी आएगी तो आके औरतों को जो आके छोटी सी स्कीम जो 2000 की चल रही है अभी, वो 2000 के साथ साथ अगर कांग्रेस गवर्नमेंट है तो घर की हर औरत को साल में एक बार 1 लाख का बाकायदा एक बेहतरीन अंदाज से वो देंगे। अच्छा, वो देंगे क्या तो खुद पार्टी आपके आपसे नहीं देगी, जो आकर आपके टैक्स वगैरह जो भी लेते हैं वो आके गेन करते हुए पब्लिक तक एक अच्छा रुझान डालते हुए वो काम करेंगे। तो नाजरीन, देखा जा रहा है बिल्कुल कारकुनों के अंदर और कांग्रेस लीडरों के अंदर एक किस्म की उम्मीद भी है, और लोग महसूस भी कर रहे हैं कि इस मरतबे कहीं ना कहीं मंसूर खान की तायीद ज़रूरी है, इसलिए कि हालात बेहद संगीन होते जा रहे हैं, और लोगों को यकीन भी है कि इससे पहले जिस तरह आंखें बंद करके किसी एक पार्टी के हक में लाबी चलाई जा रही थी, इस मरतबे कहीं ना कहीं हालात उसके बदलेंगे। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।